गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड थ्योरम्स एंड एक्सरसाइज 6.3। तो देखिए, थ्योरम 6.7 हमें क्या दी गई है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। थ्योरम 6.7 है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मतलब हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि एक ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना होगा कि ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो देखिए उसको हम कैसे प्रूव करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, और वो हमारे पास ट्राइंगल देखिए क्या हमने ड्रॉ की, ABC। तो हमें ABC एक ट्राइंगल दी गई है क्वेश्चन में, और हमें इसमें प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल के एंगल्स का सम, मतलब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, या फिर एंगल A, एंगल B और एंगल C, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो सबसे पहले हमने गिवन लिखा है ट्राइंगल ABC, प्रूव हमें करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन सबका सम 180 डिग्री। मतलब एक ट्राइंगल हमें दिया गया, इसके तीनों एंगल का सम हमें 180 डिग्री प्रूव करना है। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन देखिए क्या कर दी, हमने DE एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी टू BC, DE को एक DE लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी, जो कौन से पॉइंट से पास आउट हो रही है, A पॉइंट से पास आउट हो रही है, मतलब इस ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से पास आउट हो रही है, और हमने क्या कर दी, उसके अपोजिट साइड के पैरेलल ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पर हमने DE पैरेलल टू BC ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ हमने लिख दिया ड्रॉ ए लाइन DE पैरेलल टू BC। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें पता है क्योंकि हमने DE पैरेलल टू BC ड्रॉ किया है, तो हमें AB को एक ट्रांसवर्सल मान सकते हैं, तो एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल होगा, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हमने वही लिखा, DE पैरेलल टू BC एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल, तो दिस इंप्लाइज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। मतलब DE BC के पैरेलल है और AB एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ से एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम एज इट इज, DE BC के पैरेलल है, अगर हम AC को एक ट्रांसवर्सल लेते हैं तो एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सेम लिखा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, बिकॉज DE पैरेलल टू BC एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल, तो ये भी कैसे एंगल्स होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 5 हमारे पास इक्वल हो गया एंगल 3 के। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एंगल 4 प्लस 1 प्लस 5, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल पर बनने वाले एंगल है, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल है, तो लीनियर पेयर एंगल्स हो गए। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, इन सबका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बट देखिए हमने एंगल 4 को किसके इक्वल लिया, एंगल 2 के इक्वल लिया है, तो हम एंगल 4 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने एंगल 4 की जगह लिख दिया एंगल 2। एंगल 1 तो हमारे पास किसी के भी इक्वल नहीं है, एंगल 1 को हमने एज इट इज़ रखा। एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो एंगल 5 की जगह हमने लिख दिया एंगल 3। तो एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 3, इन तीनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। मतलब 2, 1 और 3, मतलब 1, 2, 3, इन तीनों का सम 180 डिग्री हो गया। और अगर 1, 2, 3 का सम 180 डिग्री हो गया, तो ABC का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास इसी की थ्योरम हमें दी गई है थ्योरम 6.8। और थ्योरम 6.8 देखिए हमारे पास क्या दी गई है, थ्योरम 6.8 में हमें दिया गया है, इफ़ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, मतलब ये जो हमारी थ्योरम है ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या दिया गया है, इफ़ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर हम किसी ट्राइंगल की किसी एक साइड को प्रोड्यूस कर देते हैं, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि अगर हम किसी ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटेंड कर देते हैं, तो वहाँ से जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अंदर जो ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बनेंगे, जो अपोजिट में एंगल बनेंगे, उन दो एंगल के सम के इक्वल होगा। तो देखिए हम यहाँ पर इसको भी कैसे प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि हमने एक ट्राइंगल दी गई है हमें, और उस ट्राइंगल के हमने एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने BC साइड को प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट डी तक। अब BC साइड को जब हमने पॉइंट डी तक प्रोड्यूस किया, तो हमें प्रूव करना है कि जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, अब देखिए एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल ये वाला एंगल बन रहा है, अगर हमने BC साइड को प्रोड्यूस किया तो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है एंगल ACD। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, अंदर वाले जो दो अपोजिट एंगल होंगे। तो देखिए ट्रायंगल के अंदर हमारे पास थ्री एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, लेकिन अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे, एंगल 1 और एंगल 2। तो हमें प्रूव करना है कि ACD जो हमारे पास एंगल होगा वो इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, या हम ये भी कह सकते हैं एंगल ACD इक्वल होगा एंगल A प्लस एंगल B के। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा, जो अंदर वाले दो अपोजिट एंगल्स बनेंगे। देखिए ये वाला एंगल तो इसके साथ बन रहा है, तो अपोजिट एंगल्स के इक्वल हमें प्रूव करना है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल करना है। तो यहाँ पर हमने गिवन वही लिखा, एक ट्राइंगल हमें दिया गया है और ACD इसका एक एक्सटीरियर एंगल दिया गया, हमें प्रूव करना है एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। मतलब इसको हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, जो ये वाली हमारी थ्योरम है इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और जो हमारी थ्योरम 6.7 थी इसको हम बोल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ये है हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी।
अब हम इसका सॉल्यूशन देखिए, हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता है एंगल 3 और एंगल ACD इन दोनों का संबंध 80 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर पर बनने वाले एंगल हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा एंगल 3 प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक बात हमें यह भी पता है कि एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का संबंध 80 डिग्री होता है, क्योंकि अभी हमने थ्योरम 6.7 में यही प्रूव किया है कि एक ट्रायंगल में बनने वाले तीनों एंगल का संबंध 80 डिग्री होता है। तो एक तरफ तो हमारे पास 3 और ACD का संबंध 80 डिग्री हो गया, और दूसरी तरफ हमारे पास एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, या एंगल A, एंगल B और एंगल C, इन तीनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इसको इक्वेशन सेकंड मान ले, तो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या हो गया, एंगल 3 प्लस एंगल ACD ये इक्वल हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। तो यहाँ पर हमने लिखा एंगल 3 प्लस एंगल ACD इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। यहाँ से एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल हो गया, तो एंगल ACD किसके इक्वल हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं, देखिए एक्सरसाइज 6.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या दिया गया है। इन फिगर 6.3 नहीं, ये हमें इसका एक फिगर दिया गया है, हमें प्रूव क्या करना है, देखिए क्या दिया गया है इस फिगर में। साइड QP एंड RQ ऑफ ए ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S एंड T रिस्पेक्टिवली। जो ये PQR ट्राइंगल है, इसकी जो साइड है हमारे पास QP जो साइड है उसको हमने एक्सटेंड कर दिया S पॉइंट तक, और जो हमारे पास RQ साइड है उसको हमने एक्सटेंड कर दिया T पॉइंट तक। मतलब PQR ट्राइंगल की QP साइड को तो X पॉइंट तक एक्सटेंड किया, और RQ साइड को हमने T पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया। एंड एंगल SPR इज इक्वल टू 135 डिग्री। SPR जो एंगल बन रही है, एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है 135 डिग्री का बन रहा है, और PQT जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 110 डिग्री का। फाइंड PRQ, हमें फाइंड आउट करना है एंगल PRQ। तो देखिए हम इस एंगल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास देखिए ये हमारा फिगर दिया गया है, ये एंगल 135 है, यहाँ पर 110 डिग्री दिया गया, और हमें फाइंड आउट करना है एंगल PRQ, ये वाला एंगल, एंगल 1 हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या हम एंगल 2 फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल 2 हम फाइंड आउट, हमने यहाँ पर 2 ले एंगल ले लिया, यहाँ पर हमने एंगल 1 ले लिया। 110 प्लस 2 इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर पर बनने वाला एंगल है। तो यहाँ पर हमने लिखा 110 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर एंगल। तो यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री। अब हमें पता है ये हमारा एक ट्रायंगल है, और हमने इसकी साइड को प्रोड्यूस कर दिया, प्रोड्यूस कर किया, तो ये हमारे पास कैसा, कौन सा एंगल बना, एक्सटीरियर एंगल। और जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा 135, ये एंगल 1 और एंगल 2 के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमने सेम लिखा एंगल SPR जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो एंगल 2 प्लस एंगल 1 के इक्वल होगा थ्रू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो SPR की वैल्यू हमारे पास होगी 135 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 1, 2 हमारे पास कितना आया था 70 डिग्री, तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट कर दी, 65 डिग्री। तो 65 हमारे पास क्या, एंगल PRQ, तो एंगल PRQ की वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री। तो पहले हमने एंगल 2 फाइंड आउट किया लीनियर एंगल से, और फिर उसके बाद हमने एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का सम 135 डिग्री के इक्वल कर दिया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिगर 6.40 ये एक फिगर दिया गया है। इस फिगर में क्या दिया गया, एंगल X इज इक्वल टू 62, ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है ये 62 डिग्री बन रहा है। एंगल XYZ इज इक्वल टू 54 डिग्री, एंगल XYZ मतलब ये जो कंप्लीट हमारे पास एंगल बन रहा है ये बन रहा है 54 डिग्री। इफ़ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ एंड XZY रिस्पेक्टिवली। YO हमारे पास ये और ZO ये क्या है, बाइसेक्टर्स है एंगल XYZ और एंगल XZY के। XYZ हमारे पास ये कंप्लीट एंगल है, इसका ये बाइसेक्टर है, और XZY हमारे पास ये वाला एंगल है, इसका ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मीनिंग होता है जो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट बनेगा और ये वाला जो पार्ट बनेगा दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, सेम एज इट इज़। ये जो पार्ट बन रहा है और ये पार्ट बन रहा है ये भी आपस में इक्वल होंगे। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल OZY ये वाला जो एंगल बन रहा है हमें OZY, सिर्फ ये इधर वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, और YOZ हमें ये वाला एंगल भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब हम इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया, ये हमें दिया गया है फिगर, एक्स हमें दिया गया है 62 डिग्री, और ये जो XYZ एंगल है मतलब ये जो पूरा एंगल हमारे पास बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है, 54 डिग्री का बन रहा है। और वाई और जेड बाइसेक्टर दिए गए हैं, बाइसेक्टर दिए गए, तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा वो इस कंप्लीट का हाफ होगा, और ये जो एंगल 2 बन रहा है मतलब एंगल 1 जो बन रहा है हमारे पास ये इस कंप्लीट एंगल का हाफ होगा, और एंगल 2 जो बन रहा है वो इस कंप्लीट एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, OZY मतलब एंगल 2 और YOZ। तो इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है ये ट्राइंगल XYZ बन रही है। अब XYZ ट्राइंगल में X प्लस Y प्लस Z इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। तो X हमें 62 डिग्री दिया हुआ है, Y हमें 54 डिग्री दिया हुआ है, वहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, Z एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले जेड एंगल को फाइंड आउट किया, एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल से इन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। एक्स हमें दिया गया था 62 डिग्री, वाई हमें दिया गया था 54 डिग्री, तो हम जेड की वैल्यू क्या कर देंगे, फाइंड आउट कर देंगे। तो एंगल जेड हमारे पास कितना आ गया, 64 डिग्री। अब हमें पता है जब हमारे पास ये एक फिगर बना हुआ था, हमारा जो फिगर था वो इस टाइप से था, हमारा एक्स वाई जेड और ये हमारे पास दिया गया था ओ, तो हमें क्या, ये हमने यहाँ क्या लिया था, 1 लिया था और यहाँ पर हमने क्या लिया था, 2 लिया था। तो हमने सबसे पहले जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब हमें पता है जो एंगल 2 होगा वो इस एंगल जेड का क्या होगा, हाफ होगा। इस पूरे एंगल का, ये जो एंगल 2 बन रहा है हमारे पास, इस साइड वाला एंगल, मतलब ये जो एंगल 2 बन रहा है, ये हमारे पास इस कंप्लीट एंगल का हाफ होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखिए एंगल 2 को हमने लिख दिया हाफ ऑफ एंगल जेड, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, जो जेड है वो बाइसेक्टर है इस एंगल का। तो एंगल 2 इक्वल आएगा हाफ ऑफ द एंगल जेड के। तो एंगल जेड हमारा कितना हमने फाइंड आउट किया, 64। तो इसका मतलब एंगल 2 हमारे पास कितना आ गया, 64 का हाफ, 32 डिग्री। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट एंगल यही फाइंड आउट करना था, ओ जेड वाई, तो हमने ओ जेड वाई फाइंड आउट कर दिया, 32 डिग्री। ओ जेड वाई किसका हाफ होगा, कंप्लीट एंगल जेड का हाफ होगा, और कंप्लीट एंगल जेड है 64, तो ओ जेड वाई कितना हो जाएगा, 32 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, वाई ओ जेड। अब वाई ओ जेड हमें फाइंड आउट करना है, इसका मतलब अगर हम एंगल 1 और फाइंड आउट कर दें, तो 1, 2 और एंगल वाई ओ जेड, इन सब का सम कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि ये भी क्या बन रही है, वाई ओ जेड एक ट्रायंगल बन रही है, तो इसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें पता है जो एंगल 1 है वो इस एंगल एक्स वाई जेड, इस कंप्लीट एंगल का क्या है, हाफ है। तो हम क्या ले लेते हैं, एंगल 1 को हाफ ऑफ द एंगल एक्स वाई जेड। तो एंगल 1 हमारे पास कैसे आ गया, एंगल एक्स वाई जेड का हाफ, और एंगल एक्स वाई जेड हमें कितना दिया गया था, 54 डिग्री। तो एंगल 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 27 डिग्री, हाफ ऑफ द एंगल एक्स वाई जेड। तो एंगल 1 हमारे पास आ गया 27 डिग्री, एंगल 2 हमारे पास आ गया 32 डिग्री, 27 डिग्री और ये आ गया 32 डिग्री। तो हम एंगल वाई ओ जेड क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रायंगल वाई ओ जेड में 1, 2 और वाई ओ जेड, इन सबका सम 180 डिग्री होगा। 1 की वैल्यू है 27, 2 की वैल्यू है 32 डिग्री, प्लस वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों का हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा 59, प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180, तो वाई ओ जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 121 डिग्री। तो एंगल 2 और एंगल वाई ओ जेड हमें ये फाइंड आउट करना था, ये हमने फाइंड आउट कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया, इफ ए बी पैरेलल टू डी, ए बी जो लाइन है वो डी लाइन के पैरेलल है, एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री। ये जो एंगल बी ए सी बन रहा है ये 35 डिग्री का है, एंड एंगल सी डी इज इक्वल टू 53, सी डी ई ये जो एंगल बन रहा है ये 53 डिग्री का बन रहा है। फाइंड एंगल डी सी ई, डी सी ई मतलब हमें ये जो एंगल है हमारा डी सी ई, इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। ए बी पैरेलल टू डी दिया गया है हमें, तो हमने लिख दिया गिवन ए बी पैरेलल टू डी, बी ए सी दिया गया 35 डिग्री, तो बी ए सी हो गया 35, सी डी ई हो गया हमारा 53 डिग्री, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई को हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए हम कैसे करेंगे, हमें पता है जब ए बी डी ई के पैरेलल है और अगर हम इसको ट्रांसवर्सल मान लें, तो एंगल 1 और 35 ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमने यही लिखा, बिकॉज ए बी पैरेलल टू डी एंड ए इज ए ट्रांसवर्सल, तो दिस इंप्लाइज एंगल बी ए सी, इसको हमने एंगल 1 मान लिया, तो बी ए सी जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 1 के इक्वल होगा। तो बी ए सी एंगल 1 के इक्वल हो गया, तो एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 35 डिग्री। अब हमें पता है ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, अगर हमारे पास ये 35 डिग्री आ गया तो हम एंगल सी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने बस इसी प्रॉपर्टी का यूज़ किया और हम एंगल सी को फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए ट्रायंगल डी सी ई में एंगल डी जो है हमारे पास, एंगल 1 जो है और एंगल डी सी ई है, इन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो डी की वैल्यू हमारे पास होगी 53 डिग्री, एंगल 1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 35 डिग्री, प्लस एंगल डी सी इज इक्वल टू 180, 53 प्लस 35 हमारे पास कितना आ जाएगा, 88 डिग्री, प्लस एंगल डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ई की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट हमें हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इन डायग्राम 6.42, डायग्राम हमारे पास जो बना हुआ है ये हमारे पास इसमें नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, और ये डायग्राम हमारे पास बना गया है, बनाया हुआ है पी क्यू आर पी आर टी एस क्यू, मतलब ये हमारे पास दिया गया कि दो लाइंस है आर एस एंड पी क्यू। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, पी क्यू और आर एस दो लाइंस दी गई हैं, पी क्यू एंड आर एस दो लाइंस दी गई हैं जो पॉइंट टी पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, सच दैट एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री। जो एंगल पी आर टी, पी आर टी हमारा जो एंगल है वो 40 डिग्री का दिया हुआ है, एंड एंगल आर पी टी इज इक्वल टू 95 डिग्री, एंगल आर पी टी ये एंगल हमें 95 डिग्री का दिया हुआ है, एंड एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल टी एस क्यू ये हमें कितनी डिग्री का दिया गया है, 75 डिग्री का दिया गया है। और हमें देखिए फाइंड आउट क्या करना है, एंगल
एस क्यू टी, जो एंगल एस क्यू टी है हमारा एस क्यू टी, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमने इस एंगल को वन मान लिया, इसके लिए हमने इस एंगल को टू मान लिया। अब देखिए हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमें जो गिवन था हमने गिवन लिख दिया, जो फाइंड आउट करना था हमने फाइंड आउट करना लिख दिया। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो हमने लिख दिया एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल पी प्लस आर प्लस वन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल वन की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, और एंगल वन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 45 डिग्री सॉल्व करने के बाद। अब अगर एंगल वन 45 डिग्री है तो एंगल टू भी कितना होगा 45 डिग्री होगा, बिकॉज एंगल टू और एंगल वन कैसे एंगल्स है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल टू की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई 45 डिग्री आ गई। अब ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री आ गया। हम अगर इस ट्रायंगल की बात करें ट्रायंगल एस क्यू टी की, तो ट्रायंगल एस क्यू टी में एस प्लस क्यू प्लस एंगल टू इन सबका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल टू प्लस एंगल एस प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल टू हमारे पास कितना है 45 डिग्री हमने फाइंड आउट किया है अभी, और एंगल एस की वैल्यू हमारे पास कितनी 75 डिग्री, प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या है 75 डिग्री। तो प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से जब हमने एंगल एस क्यू टी की वैल्यू फाइंड आउट की तो ये हमारे पास कितनी आ गई 60 डिग्री। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।